अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक इन माय अनदर व्लॉग। तो गाइस, ये जो लेफ़्ट साइड पर आप बिल्डिंग देख रहे हैं, यहाँ पर जो है ना, मैंने आपको विज़िट करवाया था लास्ट वीडियो में म्यूज़ियम का, जो जहाँ पर कुछ पेंटिंग वगैरह रखी हुई थी। और ये नेक्स्ट जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं सामने, अजायब घर की, लाहौर म्यूज़ियम की, वहाँ पर आपको हर चीज़ जो है ना, जो कदीमी और जो मतलब है कि तारीखी चीज़ें आपको बहुत सारी देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर जो है जनाब, मैं एंटर हो चुका हूँ, तो मैं यहाँ से टिकट ले रहा हूँ जी, काउंटर से। तो टिकट गैस मैंने ले लिया है, 50 रुपीज़ का ये टिकट है, मैं आपको बता दूँ। तो गैस ये अंदर का व्यू है यहाँ का, ये आप देख सकते हैं अजायब घर लाहौर का, और ये मार रोड पर लाहौर में वाक़िया है। ये देखें गैस, यहाँ पर फाउंटेन राइट साइड पर लगा हुआ है, जो गर्मियों में जो है ना, वो उधर से पानी गिरता है, बड़ा ठंडा पानी गिरता है। एक दफ़ा मैं गर्मियों में भी इधर आया था, तो बहुत उधर मज़ा आ रहा था फाउंटेन के करीब। ये सामने एक पार्क सा है, और ये सामने बिल्डिंग है अजायब घर लाहौर की। और गैस जी, ये इसके साइड में ही एक शॉप है, ये शॉप है जी, किस चीज़ की शॉप है ये देखते हैं जी, म्यूज़ियम क्यूरियो शॉप है। तो यहाँ पर जो है बहुत सी कदीम जो चीज़ें हैं पुराने ज़माने की, वो भी हमें ख़रीदनी हो तो, अगर हमें वो हासिल करनी हो तो हम यहाँ से वो ख़रीद सकते हैं। उसके अलावा कुछ चीज़ें वैसे भी रखी हुई हैं, और एंटीक टाइप की चीज़ें हैं, जो थोड़ा सा मॉडर्न मॉडर्न इरादे से हटकर जो है ना, कुछ चीज़ें यहाँ पर जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं, उन्हें हम बाई भी कर सकते हैं। ये देखें गाइस, ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कदीम दौर के जो है ना, ये बर्तन वगैरह हैं, और यूज़ में आने वाली चीज़ें हैं, डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ में आने वाली चीज़ें हैं ये। और साइड पर यहाँ स्वॉर्ड्स भी रखी हुई हैं, तलवारें। मैंने पूछा था इससे, मेरे ख्याल से ये 5,500 का इसने एक तलवार का जो है ना बताया था मुझे प्राइस। यहाँ पर ये गैस देखें, ये जो है ना ब्रेसलेट्स वगैरह रखे हुए, और नीचे जो है ना नाइफ वगैरह, नाइफ जो है, चाकू वगैरह रखे हैं, और हथियार वगैरह जो है ना, वो उस तरह की चीज़ें भी रखी हुई हैं। तो ये जो है आप देख सकते हैं, मॉडल बनाया हुआ है तोप का यहाँ पर, और यहाँ पार्क के सामने भी एक तोप का जो है ना मॉडल यहाँ पर नसब किया हुआ है। और ये जी सामने फ्रंट से जो है ना व्यू है लाहौर म्यूज़ियम का जी, अजायब घर का, ये देखें। तो गाइस, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ अंदर, जो है एंटर होता हूँ यहाँ पर, इस कार्ड को मैं टिकट जो है ना हैंड ओवर करता हूँ, और इस वॉक थ्रू गेट के ज़रिए जो है ना मैं अंदर एंटर होता हूँ। तो यहाँ पर गाइस जो है ये चेकिंग होती है, उसके बाद जो मेरे पास फाइल है वो यहाँ पर मैं इधर जो है ना रख देता हूँ। तो आगे अब मैं आपको दिखाता हूँ जी अंदर के मनाजिर, यहाँ पर देखते हैं ये क्या रखा हुआ। यहाँ पर कुछ शील्ड वगैरह रखी हुई है, ये कोई इतना ख़ास देखने वाली चीज़ नहीं है। आगे मैं आपको लेके जाता हूँ, आपको बहुत ज़्यादा जो ये देखें, लेफ़्ट साइड में गेट था बड़ा पुराने दौर का, ये इस राइट साइड में भी है, सॉरी मिस हो गया वो, मैं ठीक से नहीं आपको दिखा सका। तो आगे चलकर बहुत सी चीज़ें आपको ना वो एंटीक टाइप की और कदीम दौर की चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये देखें गाइस, यहाँ पर ये बर्तन रखे हुए हैं, घड़े वगैरह, सुराही और इस तरह की चीज़ें, जो मिट्टी के बर्तन वगैरह जो पहले लोग इस्तेमाल करते होते थे। और ये देखें गाइस, ये तस्वीर लगाई हुई थी कदीम दौर की, और ये देखें मिट्टी के छोटे छोटे वो बनाए हुए हैं बर्तन वगैरह, और ये देखें ये भी मिट्टी के बर्तन हैं, और बहुत सी चीज़ें इनमें से ना, ये आगे आप देखेंगे सीप की बनाई हुई हैं, सीप जो होता है ना उसको तराश कर उससे चीज़ें भी बनाई हुई हैं। ये देखें, ये सारी चीज़ें शीप की बनाई हुई हैं, ये हार बनाया हुआ है, और ऊपर एक फ़ोटो लगी हुई थी, वो कदीम दौर की आबादी की फ़ोटो लगी हुई थी। ये देखें सीप की सारी अशिया ये तैयार की हुई हैं, ये सुराही जो है ना बनाई हुई हैं छोटी, और ये ढांचा है गैस जो दरियाफ्त हुआ था कदीम दौर का, और उसके आसपास ये बर्तन रखे हुए थे, उसी तरह का इसको जो है ना कैप्चर करके इधर तस्वीर को नसब किया हुआ है। ये जो है ना टुकड़े वगैरह मिले हैं पुराने दौर के बर्तनों के, और ये देखें तस्वीर जो है ना पुराने दौर की, जो बिल्डिंग्स होती हैं गलियों की, और उनकी जो घर हैं उनकी जो नक्शा था वो सारा कुछ इधर जो है ना डिस्प्ले किया हुआ है। और ये कुछ पेंटिंग्स हैं इसके साथ ही गाइस, यहाँ पर जो है
हम देखते हैं ये मोहल्ला बनाया हुआ है उन्होंने पूरा जो है ना शाही हमाम खाना का, ये शाही हमाम खाना है जी, अजीम जाय गुसल, ठीक है, मुगलिया दौर का है। और इस तरह का जो इतना बड़ा इनका गुसल खाना होता था, अजीम जाय गुसल होती थी, ठीक है, जहाँ पर बादशाह वगैरह और उसकी मलकाएँ जो है ना गुसल किया करती थी। और इसके साथ गाइस यहाँ पर जो है ना एक्चुअली इस अजायब घर में बिल्डिंग में बहुत सारी और मुख्तलिफ जो है ना नौयत की चीज़ें रखी हुई हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा वो वर्ल्ड वार वन और टू के जो हथियार थे वो भी उधर रखे हुए हैं, जो खोल वगैरह जो तोपों के जो गोलेबारी गोला वगैरह यूज़ हुए थे वो भी। ये देखें ढांचा रखा हुआ है इधर जी, ढांचे की फ़ोटो, और ये हाथी दांत के जो है ना ये चीज़ें बनी हुई हैं हाथी के दांत से। खेलों की अशिया हड़प्पा 1990 का मतलब है ये हड़प्पा म्यूजियम है गाइस, ये भी जो है ना मैंने विज़िट किया हुआ है, आपने भी अगर नहीं किया तो आप लाजमी देखें, आपको वहाँ पर जो है ना कदीम दौर की वो तारीखी जगह है तो वो आप देखेंगे तो आपको उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये चीज़ें जो है ना सबक हासिल करने के लिए भी बहुत मीनिंगफुल होती हैं कि पहले भी हमसे लोग आबाद थे और वो जो है अब इस दुनिया में नहीं है और उनकी जो निशानियां हैं वो इधर मौजूद है। ये देखें गाइस ये मेरे ख्याल से ये कुआं है जिसकी सीढ़ियां लगाई हुई हैं ऊपर, तो ये मॉडल बनाया हुआ है बेल का। अच्छा गाइस गाइस नेक्स्ट वीडियो में ना आपको इसमें तो इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें नहीं है, जस्ट ये जो है ना ये थोड़ा सा देहात टाइप का जो पस मंज़र है वो दिखाया गया है और इस तरह की ये चीज़ें दिखाई गई हैं। ये देखें 1900 से 2600 इनका कोई है वो अब तो चल रहा है ना सन ईसवी वो कोई और ही चल रहा है। ये देखें वो भालाएं हैं उनके आगे जो वो लगा होता है खंजर सा, वो नोकीली चीज़ जो लगी होती लोहे की वो है, ये जो वो भालाएं है होती हैं भाला जो नेजे मारते हैं ना, ये घड़ा है जी टूटा हुआ है साइड से थोड़ा सा, तो मतलब है कि ये जो चीज़ें हैं ना वो बहुत हज़ारों साल पुरानी चीज़ें हैं। अच्छा गाइज आई होप कि आप इंजॉय कर रहे होंगे, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों अजीज़ और अकारब को शेयर करें ताकि वो भी इससे मुस्तफीद हो सकें और देख सकें जो तारीखी चीज़ें हैं और जो हमारा सकाफ़ती विरसा है, जो भी हमारे तरीक़े से वाबस्ता चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिलेंगी और नेक्स्ट वीडियो में इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ये गाइस देखें ये साथ ही ना ये चाइनीज़ लोग खड़े थे, दो दोस्त चाइनीज़ जो है ना वो आए हुए हैं इधर टूरिज़्म के लिए, इनसे मैंने बातचीत की थी और इनसे जो है ना काफ़ी मेरी गपशप हुई है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है ना वो सारी कन्वर्सेशन जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो है 7 दिनों के लिए आए हुए हैं इधर और इनके पास एक ट्रांसलेटर भी है पाकिस्तानी जो इनकी बात को ट्रांसलेट कर दूसरे को समझाता है कि ये क्या कह रहे हैं और इनको फिर बताता है कि कोई दूसरा बंदा जो है ना पाकिस्तानी अगर इनसे बात कर रहा है तो वो क्या कह रहा है। तो गाइज़ आई होप कि आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी, तो गाइज़ अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।